किन्नौर के सेब भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में इसके स्वाद और क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। नमस्ते चुलेट अशदलेक, आप सभी का ट्राइबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ किन्नौर के एप्पल सीजन में। जी हाँ, हमारे किन्नौर में एप्पल सीजन चला हुआ है। तो इस बार के एप्पल सीजन में मैं आपको लाई हूँ किन्नौर के एक ऐसे गांव में जहाँ सिर्फ और सिर्फ जैविक प्राकृतिक ऑर्गेनिक तरीके से जो है एप्पल फार्मिंग की जाती है। जी हाँ, हम हैं किन्नौर के हांगरंग वैली के शलखर गांव में। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल सीजन चला हुआ है जो बहुत ही बढ़िया और जोरों शोरों से यहाँ चला हुआ है। तो अभी जो है अक्टूबर एंड तक जो है यहाँ पर जो है एप्पल सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरह से जो है किन्नौर में जो शलखर गांव में जो है जो जैविक तरीके से जो है ऑर्गेनिक जो एप्पल प्रोडक्शन की जाती है। चीनी चोगा किन्नौर का मिल लो दा कनाशिना तने तो संगे ज्यादा था कि सनम ने चंचल पता था नहीं कैसे ज्यादा के जैसा कि ये सनम की डोला पंजे संगे डोवर जैसे संगे ज्यादा था कि सनम ने चंचल पता था कि जैसा कि ये सनम की डोला पंजे संगे डोवर जैसे संजन धन जैसे हम देवा दंग देवी की दंग दंग मरे संजन धन जैसे दोंगल दंग दोंगल के दंग ट्रावा के जैसे संजन धन जैसे दोंगल में पर देवा दंग में ट्रावा के। तो अभी जैसा आपको पता है हम इस वक्त है शलखर गांव में, और शलखर गांव की खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से सेब प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ है श्री राम गोपाल जी जो हमें बताएंगे किस तरह से यहाँ शलखर गांव में ऑर्गेनिक खेती जो है जैविक खेती जो है की जाती है और कब से शुरू हुई है। हाँ जी, नमस्कार जी। पहले तो स्वागत करता हूँ आपके चैनल का। देखिए जी, हमारे यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिक चल रहा है ये लगभग 2016 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो 2016 के बाद लगभग 3 साल हमें थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा बहुत ये जो होता है केमिकल वगैरह यूज़ करते थे। उस वजह से 3-1 साल हमें बहुत मेहनत करना पड़ा। जो हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे कि आप ये मानते हैं कि जितना मेहनत करते हैं उसका हमें पूरा वो जो हमें मिलने चाहिए था रिजल्ट वो नहीं मिला। फिर धीरे 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 हमने क्या किया कि सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है अभी हम लोग आप देख सकते हैं अब ये जो है पूरा कोई बिल्कुल भी केमिकल नहीं लगाते उसमें, ना तो खाद लगाते हैं ना तो स्प्रे होती है। खाद लगाते भी अपने ये जो गोबर है वो लगाते हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट लगाते हैं हम लोग, वर्मी कंपोस्ट जो लगाते हैं वो भी हम वहाँ से लेते हैं जिनके पास ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। अब ये आया हुआ है एक दो जगह ये है ना जी, तो ये आप देखना हाँ। ये हफ्ता 10 दिन में ये ऑटोमेटिकली जो मित्र कीट आते हैं ना जी इसमें, हाँ जी हाँ जी, ये अपने आप धीरे 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 खत्म हो जा रहा है। नहीं तो इस टाइम अगर जहाँ भी केमिकल होता है वहाँ पूरा ये पेड़ आपका पूरा हुलिया से पूरा ऐसा लपेटा होता था। ये देखो जी पूरा साफ है, अभी कहीं कहीं आपको दिखता है ये, तो ये भी आपका मित्र कीट आता है। 10-15 दिन में जहाँ भी ये लगता है वो ख़त्म हो जाता है, अपने आप भी ख़त्म हो जाता है। जो बगीचे में हमारे जो अलग से एक टीम लगी हुई है तोड़ने वाले,
तो वहाँ से क्रेटे जो है गाड़ी से या जैसे भी यहाँ पे ले आके तो हम यहाँ ग्रेड करते हैं जी। ग्रेड का ये मशीन हमारा यहाँ लगा हुआ है, सेब हम यहाँ लगाते हैं। फिर ये जो आपका ये जो खाने दिख रहा है इसमें हर तरह का साइज रहेगा आपका, ये लार्ज मीडियम एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल जो भी है, तो अलग अलग अपना अपना ग्रेड रहता है। ये जो हमारा रॉयल स्मॉल स्मॉल की पेटी है, ये ग्रेड होने के बाद यहाँ पे अपना अपना जो साइज पर मशीन से ग्रेड होके आता है यहाँ पे टैग लगाते हैं। इसके बाद हम लोग जो है ब्रांड का अपना जो पैकिंग का है ये साइज़ वाइज जो भी रहता है पैक होके आ रहा है यहाँ पे, स्टेपिंग करिए, इसके बाद डिटेल निकलेगी इसकी, फिर ये ट्रक में लोड हो जाएगा दिल्ली के लिए। शलखर गांव बेसिकली जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। यहाँ पे अपर किन्नौर का जो हंगरंग घाटी है वहाँ स्थित है ये गांव। ये ब्लैक रॉयल वैरायटी है और हमने मतलब कि अब लगभग हो चुका है हमारा 6 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। हमने स्प्रे करना बंद किया तो उस टाइम फसल बिल्कुल ही डेड था, मतलब कि 2 सालों में मान के चलो कि प्रोडक्शन लेवल कम से कम 90% से रिड्यूस हो चुका था बिल्कुल। कुछ लोगों ने गिव अप करना भी शुरू कर दिया था, उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं है और ये सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ बोला था। बट देखते देखते धीरे धीरे 2-4 सालों में हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, जो यहाँ पे एप्पल ट्रीज़ है उन्होंने एनवायरनमेंट है उसको अपने आप अडेप्ट करना शुरू किया, फिर बिना स्प्रे कही उसके बाद काफ़ी अच्छा फसल देने लग गया। मेन हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करने के पीछे था हमारा जो गांव के जो लोजा रिम्बोचे जी है, उन्होंने हमें एडवाइस दिया कि हाँ आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करो, इसमें एप्पल्स है वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी के मिलेगा और अगर मार्केटिंग वगैरह ढंग से हो जाए तो रेट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और प्लस एक बुद्धिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं उसमें काफ़ी जो होते हैं हुलिया फीट वगैरह जैसे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी काफ़ी मौत हो जाती है, तो और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे भी तो उन्होंने कहा कि काफ़ी पुण्य का काम है ये अगर स्प्रे वगैरह बंद किया जाए तो। और उन्होंने एक सजेशन दिया था कि हाँ अगर स्प्रे की जगह आप लोग जो हमारा जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको सुर कहते हैं, वो क्या होता है मक्खन में जो सत्तू होता है उसको वो थोड़ा मिक्स करके और उसको आग में डालने से एक धुआं सा उठता है उसको बोलते हैं सुर, वो सुर लगाने के लिए कहा था। और उन्होंने कहा कि सुर लगाने से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी है कीड़े मकोड़े वो उससे अपने आप भाग जाएंगे, तो उसके बाद लोगों ने लगातार सुर लगाना स्टार्ट किया। और सुर लगाने के बाद 2-3 साल तो काफ़ी दिक्कतें आईं, उसके बाद फिर सब कुछ फिर से पहले जैसा नॉर्मल उसमें आ गया था। और अभी आप देख सकते हो अभी इस टाइम पर फसल काफ़ी अच्छा लगा हुआ, अब पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे फसल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ शलखर गांव में एक कंपनी बनाया है जो गवर्नमेंट की उससे है, गवर्नमेंट रनिंग है, गवर्नमेंट जो ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह है जो इक्विटी शेयर है वो सारा गवर्नमेंट हैंडल करती है उसको, जो नाम है उसका रतन भद्रपू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। बेसिकली ये है एक FPO है जिसको फार्मर्स ही रन करेंगे। और उस कंपनी के थ्रू हमें गाँव में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला। पहले तो ऐसा होता था कि चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस तो कर रहे थे बट बाहरी जो दुनिया के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता था कि हाँ यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है ऐसा, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने एक कंपनी का स्थापना की यहाँ पे। और उसमें बेसिकली ये पूरा पू ब्लॉक का कंपनी है, तो शलखर गाँव में स्टार्ट करने का वजह ही है यहाँ लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पहले से शुरू किया हुआ, इसलिए तो कंपनी के थ्रू हमने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी किया। और आज पिछले 2 सालों से जो शलखर का एप्पल्स है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडिया ऑर्गेनिक्स से सर्टिफाई किया है। तो हमारे गांव बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग पे चला हुआ है, अभी नेचुरल फार्मिंग करते हैं, सेब और मटर पूरी जितने भी सब्जी है फल है नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट की जितने भी दवाइयाँ जो फू ब्लॉक की BTM जी ने सिखाया है तो दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जीवामृत गन जीवामृत अग्निहस्त्र वगैरह बना के नेचुरल बिल्कुल। इसमें क्या करते हैं कि देसी गाय के गौमूत्र वगैरह और खट्टी लस्सी वगैरह ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, तो इससे बहुत बढ़िया साइज़ और फसल भी अच्छा लगता है, इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ रहा है। अभी सेब का क्लोजिंग होने वाला है आज, अब सेब इस तरह से तोड़ते हैं हम लोग, देखो महिला लोग हमारे लामा जी के गुरु जी की वजह से हम लोग दवाई भी नहीं डालते, हमारे लजा रिंदुछे के कहने मान के हम बहुत साल हो गया, अब हमारे से बहुत अच्छा देखो अच्छे इतना कुछ दवाई नहीं लगाने से भी इतना सेब अच्छा 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 हो रहे हैं।
फसल बहुत अच्छा है। सेब तोड़ने का भी तरीका होता है, इसको मतलब इसके डंडे के साथ निकालना पड़ता है, इस आराम से ऐसे, नहीं तो मतलब अगर इसके साथ नहीं तोड़ेंगे तो सेब जल्दी ख़राब हो जाता है और ये बी ग्रेड में चला जाता है ये सेब। जी पेटी में पैकिंग करते हैं ना, तो उसमें वो जो साइज बड़ा है साइज छोटा है जो पेटी में नहीं जा रहा है तो वो लोग फिर बरा नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग ये धो के फिर लामा जी को भेजना देने के लिए, लामा को देने के लिए, बच्चों को भेजने के लिए, फिर धो के फिर ऐसा सुखा के फिर सर्दी को हम खुद खाने के लिए, फिर मेहमान को देने के ऐसा ऐसा के लिए सुखा के रखते हो। अच्छा अच्छा लो जो खराब खराब लो गाय को देने के लिए काट के फिर सुखाते। अभी तो फिलहाल मार्केटिंग थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केट ढूंढना काफ़ी मुश्किल है इंडिया में, और उसके लिए हमें गवर्नमेंट की ओर से हेल्प तो मिल रही है बट ये ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाई अभी तक वो जो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट हमें अलग अलग एजेंसियों के साथ टाई अप करा रहे हैं, MOU साइन करवा रहे हैं, बट अभी जो जितना बेनिफिट फार्मर्स को पहुँचना चाहिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो रेट होता है वो जो जितना फार्मर्स को पहुँचना चाहिए वो अभी तक पहुँच नहीं पाया। जी ऑर्गेनिक का नाम तो बहुत है जी, ऑर्गेनिक पर हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए, हमें जो मार्केट मिलनी चाहिए ऑर्गेनिक का, वो अभी तक हमें नहीं मिल पा पाया। अभी तक आपका किस दामों में ये बिक रहा है? ये नॉर्मल जो जैसे आम रेट चलता है उससे 100-150 एक्स्ट्रा मिलता है, तो आज जो अभी हम ले रहे हैं जी पर क्रेट हिसाब से ले रहे हैं ना जी, ये 1070 रुपीज़ पर क्रेट, जिसमें ए बी सी सारा जो भी है इसमें ये रहेगा। गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं जी, हमने पहले भी अभी काफ़ी समय से पहले भी हम मांग कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये मांग करना चाहूँगा मैं अपने पंचायत की तरफ से, कि जो हमें प्रॉपर एक मार्केट जो ऑर्गेनिक के लिए एक अलग से हमें जो मार्केट मिले, ताकि ये मार्केट में अगर ऑर्गेनिक का अलग मार्केट रहेगा तो क्या रहेगा कि उसमें जो हमें रेट है थोड़ा जो बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर रेट ऑटोमेटिकली अच्छा मिलेगा तो जो भी कमर्शियल ये आपका केमिकल वाले कर रहे हैं वो भी हमें देख के या रेट को देख के इसकी ओर आकर्षित हो गया, तो इस पर धीरे धीरे, चलो देर सही पर धीरे धीरे ऑर्गेनिक की ओर लोग बढ़ेंगे। मेरा यही निवेदन रहेगा गवर्नमेंट से कि हमें एक जो ऑर्गेनिक का जो एक प्रॉपर मार्केट रहेगा है ना जी वो उपलब्ध करवाया जाए बहुत जल्द। मुझे लगता है कि हिमाचल नहीं पूरा वर्ल्ड में एक पहला ऐसा गाँव रहेगा जो पूरा की पूरा गांव जो है हमारा जो प्राकृतिक खेती में जो वो है या ऑर्गेनिक जो भी बोले जो जहर मुक्त जो गांव है ये बनने की ओर हम लोग वो कर रहे हैं। तो उसकी बहुत बहुत खुशी और साथ में बधाई देना चाहती हूँ शलखर गांव और शलखर गांव के वासियों को, और साथ में मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे व्यूवर्स को ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताने के लिए। जुले ये शलखर गांव का नाम वैसे हिंदी में बोला जाता है, तो शलखर गांव का नाम वैसे हमारे पुराने ज़माने में तो क्याखर बोलते हैं, कि वो शिफ्ट के लिए क्या जो बार बार शिफ्ट करने उसको क्या से बोलते हैं ना जी, तो इसके लिए इसको फिर क्याखर बोलते हैं। हमने दो जगह इससे तीसरे जगह हम लोगों ने शिफ्ट किया, इसके लिए क्याखर बोलते हैं इसके जगह का नाम। शलखर गाँव पहले था पक्से में, जिस जगह का नाम है पक्से, वहाँ से कैसे क्या यहाँ ऊपर यहाँ अभी जो मंदिर है ना उस जगह का नाम है खरनांग, तो वहाँ पर शिफ्ट किया। अब खरनांग से आया फिर तीसरा नंबर में यहाँ इस जगह का नाम है यूल बिलवा, तो इसका नाम ऐसा हुआ है। इसके लिए फिर क्या चेक करके बार बार शिफ्ट करके क्या खर, तो हिंदी में आप लोग बोलते हैं कि सेल खर, और खर का मतलब कैचा भी है और किला भी है ऊपर मंदिर, तो हमारे भाषा में किला को खर बोलता ना।
खमजंगा ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? कोरा कर रहे हैं, मनी कर रहे हैं। बाय बाय। See you.